सो यहाँ से मैंने एक पीस को लिया और वही पीस जो मैंने आपको दिखाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम लोगों ने इसके अंदर ये देखें तो कितना अच्छा ये लुक आ रहा है इसका, क्योंकि वो चिली फ्लिक्स भी इसके अंदर है तो थोड़ा सा वो थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा और जो हम लोग मतलब अपनी जो सी है ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारी, वो भी उसका फ्लेवर भी आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन बाय वन इसके ऊपर हमने रख देना पकने के लिए। तो हमें इसकी साइड चेंज करी, ये देखिए बिल्कुल जो सा रेस्टोरेंट वाला लुक इसका आ रहा है, ये ले। तो हम लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है। आप लोगों के सामने ज़रा मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अक्सर होता है इसका कि पता नहीं ये कच्चा है, ये पक्का है या नहीं पक्का, क्योंकि अगर तेज़ी तरह इसको बनाते हैं तो ये देखें जी कितना सॉफ्ट है। और मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ, फुली जो सा टेंडर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को हम अपने चैनल क्योंकि विद नाज़रीन में खुश आमदीद कहते हैं और एक नई रेसिपी मज़ेदार सी मटन स्टीक हम लोग लेकर दोबारा हाजिर हुए आप लोगों की खिदमत में। तो आई होप व्यूअर्स कि इससे आसान से मज़ेदार रेसिपी आप लोगों ने पहले कभी स्टीक की नहीं देखी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पर मटन लिया है और उसको इस तरह बारीक बारीक सा जो सा हैमर के साथ उसको मैंने फैला लिया है, ठीक है। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप लोग इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए आप इसको ईजीली जो सा है वो फैला सके, क्योंकि हम लोगों ने इस गोश्त के जो से रेशे तोड़ने हैं तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको जो सा हैमर है उसकी मदद से इस तरह इसको फैला लिया है। इस स्टेक का आपका अंडरकट का जो सा पीस होता है आप लोग वो भी ले सकते हैं, अमूमन स्टेक के लिए जो अंडरकट का पीस ही लिया जाता है, लेकिन कोई भी आप जो सा आपको पसंद हो आप लोग वो भी गोश्त ले सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह का बोनलेस ही लेना होता है, ठीक है। मैंने इस तरह इसको हैमर के साथ बारीक सा कर लिया है और आप लोग इसको स्टेक को देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। जी, तो व्यूअर्स हमें स्टेक बनाने के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक पेपर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही मैंने जो सा है वो सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा पाकिस्तानी कुजीन का फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमें स्पाइसी पसंद है तो मैंने यहाँ पर जो सा रेड चिली फ्लिक्स भी यूज़ की हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे, मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस, ये भी 1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून ही जो सा है मैं चिली सॉस के अंदर शामिल करूँगी और थोड़ा सा जो सा है मैं सिरका शामिल करूँगी। ये चलें जी, अब इन तमाम तर चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद जितने भी हमारे स्टेक के पीसेस हैं सबके सब हम लोग इसके अंदर जो है मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके हम लोग इसको कम से कम भी हम लोगों ने 1 से 2 घंटे के लिए इसको लाजमी जो है वो स्टे करवाना है, वरना हमारे जो स्टेक का टेस्ट सही तरह से वो नहीं आएगा। सो यहाँ से मैंने एक पीस को लिया और वही पीस जो मैंने आपको दिखाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम लोगों ने इसके अंदर ये देखें तो कितना अच्छा ये लुक आ रहा है इसका, क्योंकि वो चिली फ्लिक्स भी इसके अंदर है तो थोड़ा सा वो थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा और जो हम लोग मतलब अपनी जो सी है ऑथेंटिक रेसिपी है जो हमारी, वो भी उसका फ्लेवर भी आएगा। तो इसी तरह बाकी जो भी हैं सारे इस जो से पीस मैंने लिए हुए हैं इनको भी मैं इसी तरह इसके अंदर वन बाय वन डिप करके इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करके मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर इसके बाद हम इसको जूसी सा टेंडर करेंगे। कैसे करेंगे उसकी भी एक ख़ास टिप है, क्योंकि इसको पकाना ही मेन जो उनसे टिप होती है, क्योंकि आप लोग स्टेक तो वैसे भी बना लेंगे लेकिन उसको टेंडर करना और उसको किस तरह पकाना है, किस चीज़ के साथ पकाना है, कितनी देर पकाना है, ये बहुत बड़ी रीज़न होती है। तो इंशाल्लाह क्योंकि विद नाज़िम में आज आप लोगों की ये भी जो सी रीज़न नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, एक लाइक तो बनता है इस मेहनत और इस एफर्ट के लिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम इतनी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं स्टेक्स को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था इसको रूम टेम्परेचर पे, तो अगर आप मतलब गर्मी है तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी जो सी कुकिंग वो स्टार्ट करते हैं। तो इसी दौरान मैंने जो सा है जो, अगर आप लोग चाहें आपके पास जो सा है वो स्टील का पैन वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप जो सा आप लोगों ने मोटी परत की चीज़ लेनी है, मतलब आप तवा भी ले सकते हैं। तो मैं उन लोगों के जिनके पास नहीं है तवे पे इसको बना रही हूँ ताकि वो लोग परेशान ना हो कि हम लोग कैसे बनाएं जिनके पास वो वाला पैन ना हो। उसको हम लोगों ने मीडियम टू लो हीट पर जो सा है वो गर्म करने के बाद इसको हम लोगों ने पकने के लिए डालना है। तो व्यूअर्स अब देखिए आप इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, मतलब ये जो सा है तवा गर्म हो चुका है। अगर आप पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही आप करें, इसको हल्का सा हमने जो सा है वो ग्रीस कर लेना है वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल के साथ, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने वही स्टेक्स जो से हम लोगों ने मैरिनेट किए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन बाय वन इसके ऊपर हमने रख देना है पकने के लिए। तो इसकी जो कुकिंग के हवाले से है चीज़ वो ये है, ये हमें पता नहीं होता तो किस तरह कुक करना है, ये कुक हुआ नहीं हुआ तो इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये तो जूसी का होता है, हमें इसको टेंडर करना है लेकिन बहुत ज़्यादा वो कुक नहीं करना, ठीक है। हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है
मैं आपको दिखाऊंगी। हमें लगता है कि वो कच्चा है लेकिन वो कच्चा नहीं होता, जो स्टेक है वो ऐसे ही पकते हैं। तो हम लोग इसको इसी तरह पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो से स्टेक वो बन रहे कितने छोटे छोटे से ही पीसेस हो गए हैं। तो हमें इसकी साइड चेंज करी, ये देखिए बिल्कुल जो सा रेस्टोरेंट वाला लुक इसका आ रहा है, ये ले। तो हम लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है और ये अंदर से बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, अच्छा सा पक जाएगा, जूसी सा ये जो सा हुआ है वो तैयार होगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम समझते हैं कि शायद अंदर से कच्चा है, वो कच्चा नहीं होता, ये जो से स्टेक है ये इसी तरह से तैयार होते हैं। तो अब हम इसी साइड को भी कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, पसंद करना है, शेयर करना है हमारे और हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन के साथ जुड़े रहना ये आप लोगों का प्यार है और हमारी सपोर्ट है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते जो से वो स्टेक हमारे तैयार हो रहे, तो यहाँ पर पानी इन्होंने छोड़ दिया है, ये गोश्त से ही पानी निकला था, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो जो से ये अब बिल्कुल जूसी जूसी से जो से स्टेक हो गई है तैयार, ये देखें कोच जो सा वो भी टूटने लग गया ये आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सा ये कलर भी इस पर आ गया है, बन चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसको घी डाल के जो सा है कुकिंग ऑयल इसको बिल्कुल फाइनल कर लेती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक डिश आउट करके मैं दिखा देती हूँ। ये एंड लुक्स जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से स्टेक हो गए हैं यहाँ पे तैयार और मैंने इसको फ्राइज़ के साथ किया है सर्व और इतने यमी और इतने टेस्टी सा इसका लुक है और स्मेल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप लोगों के सामने ज़रा मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अक्सर होता है इसका कि पता नहीं ये कच्चा है, ये पक्का है या नहीं पक्का, क्योंकि हम लोग इसको बिना ढक के पकाते हैं, कवर नहीं करते, इसी तरह इसको बनाते हैं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है और मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ। फुली जोन से टेंडर हो चुका है और बहुत ही जूसी से स्टेक है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो से आज की रेसिपी पसंद है, कि पसंद है तो हम अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी ना तो सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार है और हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर इंजॉय करें और हमें अपनी फीडबैक दें। हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।